ये तेरा पिंड नहीं है, ये दुबई है। दुबई ओए पता है मैनू तू दुबई है, और दुबई वालों को ऊंची आवाज से क्या लेना देना, तू ऊंची बोल। हाँ हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है। अच्छा सुन, और बोलो तू पैसे कब भिजवा रहे? अब बेबे थोड़े दिनों में इंडिया आ ही रहा हूँ, पैसे भी साथ में ही ले आऊंगा। ओए बल्लू पुत्र, पिछले 3 सालों से ये सुन सुन कर ना मेरे कान पक चुके हैं कि तू वापिस आ रहा है और पैसे लाएगा, पर पुत्र अभी तक तो तू आया नहीं ना। अब क्या करूं बेबे, टाइम ही नहीं मिलता है ना, जगह जगह फैला हुआ है बिजनेस, कभी हांगकांग, कभी सिंगापुर, तो कभी लंदन। और पुत्र पैसे तो भेज सकता है ना तू? बेबे भेजने ही वाला था, लेकिन मैं अभी खुद ही आ रहा हूँ तो साथ में ही ले आऊंगा ना। बल्लू पुत्र तू अभी ना। पड़ जाए जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कोई बात नहीं बल्लू पुत्र, तू अपना बिजनेस ना अच्छी तरह समेट के ना वापिस आना। हाँ वैसे भी यहाँ कौन सी चीज की कमी है, और रब का दिया तो सब कुछ है। अच्छा ठीक है, ठीक है बेबे, पैरी पौना। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। आ गए सवेरे सवेरे। यार बल्लू तू मैंने एक गल दस, तू कब तक अपनी मानो झूठ बोलेगा? तू बता क्यों नहीं देता, तू कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक बड़ी सी कंपनी में छोटा सा क्लर्क है। क्लर्क? अरे मलकेश पाजी, क्लर्क क्या करो, बल्लू के पैसे जेती ना करो। ये तो कंपनियों में बॉस है बॉस, और बॉस इसके आगे पीछे घूमते हैं। ओ छड़ो यार, इसकी तो आदत है बड़ी बड़ी हांकने की। ए फड़ आटा, रोटियां बना ले। मैं? क्यों, तू दुबई दा डॉन है जो काम नहीं करेगा? ये फड़ आटा। देख बल्लू, बंदे ने ना जमीन पे रह के बात करना चाहिए, जमीन पे रह, जमीन पे उड़ मत, फड़फड़ा मत, अपनी औकात में रह के बात करना चाहिए, औकात में। हो गया तुम लोगों का, क्यों और कुछ कहना बाकी है? यार मैं अपनी हरकतें छुपाने के लिए अपनी माँ से झूठ नहीं बोल रहा, कोई शौक नहीं है मुझे, अगर सच बता दिया ना उसे तो मर जाएगी बेचारी। यार हार्ट की बीमारी है उसे। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उसने दुबई भेजा है मुझे। यार बड़ी उम्मीद है उसकी मेरे से, अगर सच पता लग गया ना उसे तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी बेचारी। अब उसकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या गलत कर रहा हूं यार? और झूठ तो तुम लोग भी बोल रहे हो ना, यहां इस तरीके से रह रहे हो, अपने घर पे फोन करके बताया है कभी? मैं बताऊं? बात करते हैं। चाय पियोगे? ये ले। अब थोड़े ही फोन लगूंगा। अब फोन नहीं लगूंगा। अरे कहां से लगूंगा? हाँ तुम लोग की शक्ल जो देख ली, अब तो मुझे नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। और वैसे भी मैंने तुम लोग का पैसा खा के भाग थोड़ी ही जाना है। हाँ मेरा NRI पुत्र बल्लू वापिस आ रहा है, फिर मैंने तुम सबका पैसा ना एक एक करके तुम लोग के मुंह पे ना मारा व्यास में, तो मैं भी NRI बल्लू की माँ नहीं। बहन जी पैसे तो लक्ष्मी होंदी है, इसे मुंह पर नहीं मान दे, इसे तो इज्जत नाल वापस कर दे बहन जी। ओए चंगा कितना सुना रहा जो चाची जी ने सब बता दिया, नहीं तो इन्होंने मेरे मुंह पे पैसे मार मार के मेरी शक्ल ही बिगाड़ देनी थी। पहले केड़ी तेरी शक्ल सिद्धी है। ओए छिंदर कोरे, कट तो कट अपने प्यो हरविंदर की इज्जत कर। ओए ओ ते रब दा बंदा सी। रब दा बंदा था तभी तो कर्जा वापस मांगते मांगते रब नू ही प्यारा हो गया। ओए तुम लोग खड़े क्या हो, तुम सब नू कर्जा लेना है कि नहीं लेना अपना वापस, नहीं तो फिर चलो जी। अरे क्यों नहीं मांगना जी, हमें मांगना है। पर जाई जी मेरे जीते जी, मेरे पैसे मिल जाएंगे ना? और क्यों नहीं मिलेंगे खड़क सिंह? हाँ और मैं कह देता है ना, मेरा NRI पुत्र आएगा तो मैं तोड़ा सब जा पैसा ना मूल समेत वापस कर दूंगी। बहन जी मूल समेत?
बहन जी मुंह समेत नहीं सूत समेत। हाँ वही सुने आ रहे, सूत समेत तेरे मुंह पे मारूंगी। ओए देखो बात पैसे कर रही है जैसे हम परेशान कर रही हो। पड़ जाएगी, अब सूद की बात छोड़ दो, मेरे तो मूल के पैसे दे दो बस। ओए खड़क सिंह, मैंने तुम सबका पैसा देना है और इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग सब इस तरह मुझसे बात करो। आने दो मेरे NRI बल्लू पुत्र को, एक एक का पैसा मैंने डबल ब्याज देकर ना तुम लोग के एक एक के मुंह पे नहीं मारा ना, तो मैं भी NRI बल्लू की माँ नहीं। और दफा हो जाओ। चलो जी ये भी देख लेते हैं। अरे 100 पैसा पैसे मिल जाए, 100%। चलो चलो चलो, आ जाते शेरे शेरे अपना मुंह दिखाण। जाओ उठो कम दस सत्यानाश कर। ओए गूंगे, और तू क्यों इतने खड़ा तेरा की देना है? अब जी 5,000 सिर्फ 5,000 में खड़ा दे वे, जिसमें मैं तेरे 5,00,000 देने आंदे। हां 5,000 है ना, सब तो पहले मैं तेरे 5,000 तेरे मुंह पे मारूंगी। जा जा चला जा तू। जी पक्का मुंह पे मारोगी ना? जा दफा हो जा। ओ जंदे सवेरे सवेरे गूंगा भी ना, सारे काम बिगाड़ देंदे सवेरे सवेरे आके मेरा। हाय रब्बा। बलविंदर जी। जी आज मैं लेट नहीं हो सकता। वॉच योर वॉच। हैं? वॉच माय वॉच। अबे ये कब खराब हो गई? बॉस आपको बुला रहे हैं, जाइए। जा रहे हैं। मिस्टर बलविंदर। यस। आपको बॉस बुला रहे हैं। पता है। मिस्टर बलविंदर कम हियर। अब तो जाना ही पड़ेगा। सर क्या देख रहे हैं आप लोग, काम करिए। सॉरी सर। क्या सॉरी सॉरी, कब तक तुम्हारे जॉब को बचाऊंगा मैं? यू आर राइट सर। शट योर फोन। बंद नहीं हो रहा है, बंद खराब हो गया। किसका फोन? नॉट इम्पोर्टेंट। बंद करो। किसका फोन है? सर माँ का फोन है, मैं बाद में बात कर लूंगा। अरे माँ का फोन है बेटा, माँ का फोन है। उठाओ, फिर जल्दी बात करो बेटा, माँ का फोन है। उठाओ उठाओ बेटा, माँ का फोन है। ओके सर। हेलो बेबे, मैं बिजी हूं, मैं बाद में फोन करता हूं। हाँ सर, मेरी मां को हार्ट अटैक आ गया है। क्या? मुझे अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ेगा। मां को हार्ट अटैक हो गया? जी सर। बेटा जल्दी जा, जल्दी जा बेटा, जल्दी जा, माँ की सेवा कर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ अरे अरे सुन सुन, ये रख ले। जा बेटा सर, बेटा माँ। थैंक यू सर। माँ माँ। थैंक यू सर, थैंक यू माँ माँ माँ। ये कौन है?
चिड़ियाघर है। ओ भाई साहब, ये कुलविंदर कौर जी का ही घर है ना? ओ नहीं जी, ओ ये घर तो एनआरआई बल्लू का है। एनआरआई बल्लू तो मैं ही हूँ। ओए तू बल्लू है? हाँ। ओए तू बल्लू है? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं बल्लू। बल्लू 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 आ गया, बल्लू हो गया है। ये मेरा घर इतना सोना कैसे हो गया? अरे अरे ठहर जाओ, अरे बताते हैं, एक मिनट ठहरो। चाची बेबे कितने हैं? बेबे ने छोड़, पहले बता मेरे लिए क्या लेकर आया तू है? बताता हूँ चाची, बेबे कित्थे है? अबे बेबे लगा हुआ, चाची नु भूल गया। चाची अरे रुक जा, अब बेबे तो हो रही। ओ चंगी तरह लगा ना कपड़ा, सजा अच्छी तरह सजा। और सुन, ये अच्छी तरह फूल लगा के ना अच्छी तरह सजा देना मेरा घर दुल्हन की तरह। हाँ नीचे जाके अच्छी तरह चाय वाय पी लेना, नाश्ता वाश्ता कर लेना। बेबे पाई लगो, बेबे ओए जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और हां तुम लोग भी तक करके ना बेबे गल तो सुन। बेबे क्या बनाई, क्या मटिया? बेबे अब बोल। बेबे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ले झूठ ना बोलती तो और क्या करती? तुझे मैंने कितनी बार फोन करके कहा ना वापिस आ जा, वापिस आ जा, तू आया? आखिर मुझे झूठ ही बोलना पड़ा ना, तुझे अपने बिजनेस से टाइम मिले तब ना। बेबे बेबे मैं बिजी था, बेबे मैं की करा? ले मुझे पता था तू कुछ नहीं कर सकता, इस करके मुझे ही कुछ करना पड़ा। हाँ ओ चाची, अरे दिलावर मोहन साहब शगुन लेके आ गए थल्ले। ओ शगुन लेके आ गए? आ रही हूँ मैं। शगुन शगुन किसका शगुन? इस उम्र में कोई मेरा शगुन लेकर तो आएगा नहीं ना। हाँ पर बेबे वो आई मैं। ओए ओए सुनो, ओए अरे चलो चलो आ जाओ। सगुन दा सामान लेके आए जी। थैंक यू। तो हमें आपका कहना चाहिए, हमारा सपना था, हमारा क्या, हमारे पूरे खानदान का सपना था कि मेरी बेटी की शादी एनआरआई दूल्हे से हो। आपने हाँ कह के हमारा सपना पूरा कर दिया। बहन जी हुन साडे दमाद जी दे दर्शन हो जाए तो बस चंगा हो जाए। बस इतनी सी बात है जी। वो देखिए आपका एनआरआई दूल्हा। बेबे बेबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहले झूठ बोल के मैंने यहाँ बुला लिया, अब मेरा व्याह? ओए मैंने पहला नहीं दूजा नहीं सिर्फ एक ही झूठ बोला है, तेरा व्याह करना सी ना, इस करके मैंने बीमारी का झूठ बोला है। मैंने नहीं करना व्याह। ओए ठीक है मत कर व्याह, 15 लाख रुपए दे दे। 15 लाख है? 15 लाख नाम सुन के तेरी आंखें डड्डू की तेरी मोटी मोटी बाहर क्यों निकल आई? तुझे याद नहीं तुझे दुबई भेजने के लिए मैंने लोगों से कर्जा लिया था? हाँ बेबे लेकिन वो 15 लाख नहीं थे। ओए उसका ब्याज क्यों, लोगों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा? और फिर ये घर जो तू टूटा फूटा छोड़ कर गया था, इसे भी तो ठीक करवाने के लिए मैंने पैसे लगाए हैं। बेबे बेबे ओए बेबे बेबे मत कर। ओ देख कर्जा मंगने वाले ना साडे घर की तरफ जा रहे, देख वो अपना कर्जा वसूल करने के लिए दे। चुप कर, जान दे इन्हां नूं, आप ही आ जाएंगे वापस। कौन देगा आप लोगों का कर्जा? तू देगा और कौन देगा? ओ दुबई में तेरा इतना बड़ा बिजनेस है, 15 लाख तो तुझे ही देने पड़ेंगे। हाँ और बल्लू निकल बाहर, ओए जाओ जाओ। ओए सरदार जी जल्दी बताओ हमारा एनआरआई दिमाग दिखता कैसा है? अरे ठहर जा जरा सांस लेने दे, पानी शानी पीने दे। ओए पानी वानी पीते रहना, पहले बताओ जी दिमाग हमारा दिखता कैसा है? अरे हमारा दिमाग तो हीरा है, एकदम हीरा। अरे मुझे तो लगता है कि आज मेरा सपना पूरा हो।
कौन सा सपना जी? एनआरआई दामाद का सपना। हाय हाय, वो आपका सपना कब से होने लगा? ये तो मेरा कम का सपना था। तेरा सपना है? नहीं, आधा मेरा है। आपका आधा तेरा है, आधा मेरा है और थोड़ा सा मीनू का भी है। अरे हमारी मीनू तो हवा में उड़ेगी, अरे दुबई जाएगी, अरे पंछी बनू उड़ती चलो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अरे आगे, अरे अरे मीनू क्या कर रही है तू? चल इधर आओ। अरे बहुत खुश हूँ। पता है तुझे एनआरआई दूल्हा मिल गया है, ज्यादा उड़ मत। अरे क्यों नहीं उड़ू? एनआरआई दूल्हा सड़क पे नहीं मिलता है, पता है कितनी मेहनत करी उसके बाद जाके मुझे ये एनआरआई दूल्हा मिला है रब्बा। हाँ हाँ मीनू, मुझे भी एनआरआई दूल्हा मिलता तो मैं भी ऐसे ही खुश होती, इससे ज्यादा अच्छा नाचती। तो आज मेरी खुशी में नाच ले। फंसा दिया बेचारी को बेबे ने, कितनी मासूम है, पता नहीं बेचारी का क्या होगा। मैं रहोगे या बैठोगे भी? हाय रब्बा, इतना दूर क्यों बैठे, पास आओ ना। मैंने तो सोचा था कि आप झट से आके मेरा घूंघट उठा दोगे, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहे हो। अच्छा वो सब छोड़ो,
मैंने सुना है कि दुबई में आपका बहुत बड़ा घर है। घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर भी है। ऐसा सुना है आपने? हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। है। पर पता है, मुझे ना स्विमिंग करनी नहीं आती। अच्छा है। क्या अच्छा है? वो तो मैं सीख लूंगी। क्यों? आप हो ना मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए आएंगे ना? अब क्या जरूरत है, अब छोड़ो। नहीं, मुझे स्विमिंग सीखनी है। बोलो मुझे। अरे हाँ, ठीक है सिखा दूंगा। अरे चलो छेदी छेदी करो। अरे एक हाथ से कुर्सी क्यों उठा रहे? दोनों हाथों से उठा ना, देर लगेगी तो मेरा ही भाड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, मेरा खर्चा करवा रहे। और जल्दी निकालो ये फूल। चल उठा जल्दी। अच्छा बेबे, फिर मिलते हैं। ओए, कहाँ जा रहे? मैं और कहाँ जाऊंगा, दुबई है। और मैं, हे रब्बा, ठहरो, मैं भी जाऊंगी दुबई। अरे ये बहू तेरे साथ जा रही है ना? नहीं, मेरे मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो ओनू इत्थे छड़ के जाएगा तू? नहीं नहीं बेबे, ये ओ जी, क्या मैंने भी जाना है दुबई आपके साथ बेबे? हाँ, बहू भी जाएगी तेरे साथ दुबई। ये दुबई जाएगी? अरे इतना आसान नहीं होता है दुबई जाना। बगल का गांव नहीं है कि बस की टिकट कटाई और पहुंच गए। दुबई है, उसके लिए समझाओ इसे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, वीजा पासपोर्ट। कहां से आएगा दामाजी? ये है पासपोर्ट और वीजा। पापा जी।